गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका एक और नई एपिसोड में। पिछले 3 दिनों से मैं बुखार था, इसलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो पर, उस दिन से मैं बुखार रहा, वीडियो बना नहीं पाया और आज जाके मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और ये जो होगा माय डेली रूटीन पार्ट 2 होगा। ये मेरा जो ड्यूटी है वो किया है, आज दंग से दिखाऊंगा आप लोगों को। आज जाना होगा इस पिकअप से। पहले मैं सोच रहा था यार इस वीडियो को कैंसिल कर दूँ, कि ये वीडियो ना बनाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन जब मैं वो वीडियो ढंग से देखा, वहाँ पे देखा कि मैं तो पूरा वीडियो कंप्लीट कर नहीं पाया, मैं आपको दिखा नहीं पाया कि मैं क्या क्या करता था। वो तो बस मैं आपको इट्टू सा करके दिखाया, तो इस वीडियो के अंदर मैं ढंग से दिखाऊँ आप लोगों को। शक्कर आना शुरू हो गया तो थोड़ा बहुत बुखार भी फील किया और मैं रूम में वापस आके मुझे वो वीडियो कैंसिल करना पड़ा जो मैं पूरे गांव एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो घुमा ही था, तब मैं वीडियो नहीं बनाया। पहले मैं इस वीडियो को भी कैंसिल कर रहा था, पर सोचा कि वीडियो हो नहीं पा रही है तो वीडियो बनाना तो पड़ेगा, अपलोड तो करना पड़ेगा। इस गांव के अंदर अगर आप रूम रेंट पर रहोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई, सबसे ज़्यादा तो पानी का डिफ़िकल्ट है। आपको एक्स्ट्रा करके पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि गांव जो है पहाड़ों में बचा हुआ है, इसलिए पानी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए पानी एक्स्ट्रा करके ख़रीदना पड़ता है और बहुत पैसे खर्च होते हैं भाई। पैसे तो हमका नहीं जा रहा है तो कंपनी का जा रहा है, हम तो अवेलेबल करके यूज़ करते हैं। यहाँ के लोग अगर आपको मिजो आता है तो क्या करेंगे, अगर आपको मिजो नहीं आता है तो ये लोग क्या लेस करेंगे। हम लोग जाने वाले हैं नोट टुईपुई की तरफ। अगर आपको मिजो आता है तो आप एक गर्ल फ्रेंड भी बना सकते हो, लड़कियाँ भी आपको भाव देंगे अगर आपको मिजो आता है तो। अगर आपको मिजो नहीं आता है तो कोई भी आपको भाव नहीं देंगे। मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने ड्राइवर बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है यार। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद जाएंगे, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरियां, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती। अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगा? पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में तू भी ना के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की ये जो बेम्बू है उसे लोड करना होगा शायद। अच्छा
लोड कंप्लीट हो चुका है। अभी एक बम्बू लगाएंगे, हर वे एक बम्बू लगाएंगे। ये सुनो ना, यहाँ पे होल बना के वहाँ पे बम्बू रख के और केबल को बम्बू के ऊपर फंसा के हम ऊपर रख देते हैं केबल को। तो कुछ ऐसे करके बेम्बू लगाते हैं, ऐसे तो ये डेली रूटीन नहीं है। जब हम कलसा में थे तब भी ये एक बार किए थे। तो यही हमारा काम है, केबल जो है जो नीचे गिरेगा उसे ऊपर उतार देना है, ढंग से रखना है, ऐसे करके रख देना है। ये पार्ट टाइम जॉब मेरे लिए परफेक्ट लग रहा है क्योंकि सिर्फ गाड़ी से आना जाना घूमना है। मेरे वीडियोज़ के लिए, मेरे चैनल के लिए ये परफेक्ट हुआ है। ये जॉब भी कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ। टाइम हो रखा है 1:40 PM और अभी हम लोग रूम पे जा रहे हैं। हम लोग थुईपुई नोट तक गए थे बेम्बू, वहाँ से लेके यहाँ तक लगा लगा के आए बेम्बू, और बेम्बू ख़त्म होते ही हम लोग अभी रूम पे जा रहे हैं। बेम्बू का सीन ऑटो ऐसा ही होता है, मतलब 20 या 30 ऐसे करके बेम्बू लोड करेंगे और जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम बेम्बू लगा देंगे, बेम्बू ख़त्म होते ही रूम पे। यही हमारा ड्यूटी है। तो यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा एंड ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, ऑल ऑफ यू। गुड बाय, अगले वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट।